कोरोना काल में बिहार सरकार के लाख दावों के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था घुटनों के बल दिख रही है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के आरा जिले की, जहां सदर अस्पताल में बेडों की संख्या कम पड़ गई है। दरअसल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कुल 10 बेड ही लगे थे, जो पूरी तरह मरीजों से भरे पड़े थे। वहीं करीब 4 मरीज बेड के अभाव में फर्श पर ही इलाज कराने को विवश थे। इनके लिए बेड की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था, जिससे मरीज और परिजन दोनों परेशान नजर आए। हाँ, बेड का कमी बहुत कमी है। जो मरीज जो भी आता है कोरोना इलाज, मतलब कोई तरह के इलाज कराने के लिए, तो वह चाहे ऐसी करके पहले कमी नहीं कर रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, लेकिन व्यवस्था यहाँ बेड का व्यवस्था नहीं हो रहा है। बेडे नहीं, खाली बेडे नहीं है, तो क्या पूरा रोगी बेड खाली नहीं है। क्या पेशेंट को आपके ये? कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सहरसा में इसका पालन करने को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि नगर परिषद के क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सबको गाइडलाइन का पालन करना होगा। कल जिले में 161 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक पॉजिटिव मरीज का डेथ रिपोर्ट हुआ है। अभी टोटल एक्टिव केस 1135 हैं, 337 लोग रिकवर किए हैं, 14 लोग को रिफर किया गया है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, और 2 डेथ हुआ है। शहरी क्षेत्र में संक्रमण 73% है, ग्रामीण क्षेत्र में 27% है। संक्रमण को देखते हुए कल आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि रात में कर्फ्यू महानगरों के लिए ठीक है, बिहार में ऐसे भी लोग रात में बाहर नहीं निकलते हैं। अजीत शर्मा ने पूरे बिहार को सप्ताह में कम से कम 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की है। कोरोना से जंग लड़ने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने कल डिसीजन लिया है, बड़ा हास्यास्पद है। रात में कर्फ्यू, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अरे ये तो बड़े बॉम्बे दिल्ली में जहां नाइट लाइफ होता है वहां लोग न निकले उसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। बिहार में तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसे ही घर से लोग नहीं निकलते हैं। होना यह चाहिए था इस निर्णय में, आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, बेड की व्यवस्था करिए, जैसे कि हम लोग और भी जगह क्वारंटाइन बनाने के लिए जगह। बिहार में बढ़ते कोरोना की स्थिति को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने एनएमसीएच का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार से मुलाकात कर कोरोना से निपटने को लेकर तमाम तैयारियों की जानकारी ली।